आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के द्वारा अहमदाबाद गुजरात की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। गुजरात अहमदाबाद में केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन की कार्यकर्ता जागरूकता व कार्ड वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के कई जिलों से आए हुए पदाधिकारियों ने मार्गदर्शन दिया। महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अनिरुद्ध भोर ने कहा कि आज के समय में सभी देशवासियों को अपने हक और अधिकार की जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारा हनन न हो सके, इसलिए केमास संगठन में जुड़कर लोगों को अधिक से अधिक जानकारी लेनी चाहिए। मनोज चवरे विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष, सौरभ रामटे के संगठन मंत्री विदर्भ प्रदेश स्वप्निल भोवते केनो ने सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया और मिलिंद रामटे के साहेब जिल्हा भंडारा अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप मेश्राम साहेब और प्रवीण कोठेश्वर जिल्हा अध्यक्ष अमरावती इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली की ओर से जानकारी दी। अहमदाबाद जिल्हा अध्यक्ष माननीय श्री जितेंद्र छापा ने सुरेंद्र कुमार गजबिये मीडिया प्रभारी अहमदाबाद गुजरात प्रफुल्ल भंडारे अक्षय दीपक नगराले अल्पेश छापाने दीपक शिंदे तुषार पिपले संतोष सपकाठी इन्होंने और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। नमस्कार, केमास न्यूज अनिरुद्ध भोयर हर समय आपके साथ। यहाँ अहमदाबाद में गुजरात यहाँ मीटिंग लगी हुई है तो जिला अध्यक्ष जितेंद्र छापाने साहब क्या बताओगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि भंडारा से जो टीम आई है केंद्रीय मानव अधिकार संगठन शाखा भंडारा शाखा नई दिल्ली से शाखा भंडारा वहाँ से टीम आई हुई है, तो इस टीम को हमने यहाँ पे बुलाया था कि भी यहाँ पे किसे मार्गदर्शन देना है और कार्ड वितरण करने के लिए, और बहुत अच्छा इनका काम चल रहा है केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन का। तो इस माध्यम से हमको आगे किस इससे मतलब आगे करना है, कार्य करना है और कैसे वुमेन राइट्स होते हैं उसके बारे में हमको बताया गया है। केंद्रीय मानव अधिकार नई दिल्ली संगठन का हम अहमदाबाद गुजरात आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, और आपकी टीम यहाँ पर आई अहमदाबाद शहर में, और जो मानव अधिकार और मानव के लिए क्या क्या चाहिए आपने जो नई जानकारी दी आपका हम धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। और नई जानकारी आप लोगों से मिली, आज तक हमको पता है कि गुजरात में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमको पता है कि सरकार और सरकार के कर्मचारी किस तरह आम जनता को लूट रही है, पर मानव अधिकार के माध्यम से आज हमको कहीं नया सीखने मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू, आभार सर। के संगठन से यहाँ पर आए हुए सभी पदाधिकारी को हम साधुवाद करते हैं, और यहाँ पे मानव अधिकार के लिए जो ह्यूमन राइट्स है आज भारत की जनता को जो सरकारें लूट रही है, जैसे कि आज अनाज की दुकान पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अनाज नहीं मिल पा रहा है, तो आज आप साफ लोगों से अच्छी तरह से हमको जानकारी मिली, और इस वजह से हम आगे बढ़ के काम करेंगे और लोगों को जागरूक करके उनके हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। मेरा नाम संतोष सपकर है। संतोष सपकर कहाँ के हूँ आप? मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद गुजरात? गुजरात। ओके सर। भारत, मैं गुजरात अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। गुजरात में और अहमदाबाद में ऐसी कोई भी जगह ही नहीं है जहाँ वो क्या बोलते हैं कमीशन एजेंट, यहाँ पे कुछ भी करना हो ना तो एजेंट से मिल लो या फिर सरकारी कर्मचारी को कमीशन दे दो, काम ऐसे ही होता है। आज जब केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन आए तब जाके तो यहाँ के लोगों को हम बताएंगे कि मानव के अधिकार क्या है। एजेंट्स के सिवा यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता, कोई भी नहीं। ये इंसान की अगर गाड़ी भी कहीं खोआ गई हो या कुछ भी हो जाए तो यह एजेंट ही सबसे अच्छा काम करता है। मानव का अधिकार क्या है ये तो आप नई दिल्ली से नया